मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम, जिस पर समाज में गुनाह खत्म और गुनहगारों को जेल के पीछे भेजने की जिम्मेदारी हो, अगर वही गुनहगार बन जाए तो क्या कहेंगे आप? इनसे मिलिए। ये जनाब है दरोगा और इनका नाम है वसी खान और इन पर संगीन आरोप एक लड़की ने लगाया है। 3 साल तक दरोगा एक लड़की के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाते रहे। यही नहीं, इस दौरान लड़की गर्भवती हो गई और इसका गर्भपात भी कराया गया। लड़की ने जब शादी का दबाव बनाया तो दरोगा जी के हाथ पांव फूलने लगे और शादी से इनकार कर दिया। यही नहीं, लड़की ने दरोगा पर नाम बदलकर उसके साथ रहने का आरोप लगाया है। मामला यूपी के गोंडा शहर का है, जहां एक थाने में वसी खान तैनात थे। आरोप है कि लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उससे शादी करने का झांसा भी दिया था। नाम है वसी खान, मगर लड़की का आरोप है कि वसी खान ने अपना नाम रिंकू शुक्ला बताया था, मगर अब ये लड़की थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करने की मांग की। मेरा मामला है एसआई वसी खान से। उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और अब शादी करने से इनकार कर रहे हैं। 3 साल मेरे उनके रिलेशन रहे और उन्होंने मुझे रिंकू शुक्ला अपना नाम बताया था और एक्चुअल में नाम उनका एसआई वसी खान है। पहले तो उन्होंने मुझे यही चीट किया। मुझे जब पता चला, जब हम उनके रिलेशनशिप में हो चुके थे, दो दो बच्चों को अबॉर्ट करा चुके, मेरा ऑपरेट हो चुका है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, सीसी फुटेज है मेरे पास। मंडे की रात को 27 तारीख को ये मेरे घर आते हैं बात करने के लिए। मैं इनकी फैमिली में गई, बात किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बोले कि अभी बहन की शादी नहीं हुई है, हम शादी अब नहीं करेंगे और अपना जो है बोले कि हम आपके धर्म से नहीं शादी कर सकते हैं। तब मैंने बोला कि आप जो है हिंदू के साथ रिलेशन बना सकते हो, शादी क्यों नहीं कर सकते हो। अभी वो उसी दिन से फ़ोन बंद करके 10:15 रात से मेरी बात हुई है और 10:15 रात में मंडे 27 तारीख को मेरे घर आते हैं कि मैं बैठ के बात करता हूँ और वो मुझे आइसक्रीम में क्या खिला के जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं सेंस में ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये पागल हो गई है। 112 भी वहाँ पे आई, वहाँ पे बयान भी हुए और ये वहाँ पे मौजूद थे। मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए, पड़ोस के लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, जो कि इनको मेरे घर में देखा गया, लोगों ने देखा। जब इन्होंने विभागीय द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर डलवाया कि मैनेज कर लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, मैंने कहा मेरी इज्जत पैसों में नहीं बिकती, मैं शादी करूँगी और इन्हें शादी करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है ये फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आज 15 दिन का टाइम मैंने उन्हें सुधरने का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रात में महिला थाने पे ये बैठे रहते हैं और यहाँ से फोर्स भेजते हैं। आप बताओ किसको अथॉरिटी है कि विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट FIR के आप किसी के घर पे रात में 12:30 जाओ और उठा के लेके आओ। कौन सा जुर्म मैंने किया था कि 3 गाड़ियाँ मेरे मोहल्ले में गईं, फोर्स लेके गईं और मुझे 1 घंटे पूछताछ घर पर की गई। उसके बाद मिसरौली चौकी थाने में चौकी पर बैठाया गया, वहाँ से मुझे यहाँ लेके आया गया महिला थाने, मुझे 4:30 छोड़ा गया और मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था आप कंप्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मैं शादी ही करूंगी, उसके बाद कुछ भी होगा देखा जाएगा। शिकायत आपने कहीं की? शिकायत मैंने DIG साहब के यहाँ की थी, कोतवाल साहब सॉरी आपके कोतवाली में किया, कोई रिस्पांस मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैडम आपकी महिला थाने की बोल रहे हैं कि मैंने कप्तान के यहाँ तहरीर दी, जब कप्तान साहब की सीट खाली है तो मैं उन्हें तहरीर कहाँ से दे दूँगी। और आज मैं तहरीर देने आई ही हूँ, जो आपने जाके वहाँ आगे से अपने महिला थाने में आप ट्रांसफ़र करा ले रहे हैं। वसी खान का नाम बता रहे हैं, कहाँ तैनात थे? ये तैनात थे कटरा में, कटरा से इनका शहर कोतवाली हुआ। 2019 में ये पांडे बाजार चौकी इंचार्ज थे, तब से हमारा इनका रिलेशन है और कटरा में भी मेरा आना जाना था, इनके घर तक भी आना जाना था। अभी ये परास पट्टी में लाठी सिंह गांव में इनका एक क्वारिटी टीम पड़ी हुई है, उसके इंचार्ज हैं ये। मैं वहाँ भी गई है, वहाँ भी मुझे नहीं मिले। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि शादी करें, क्योंकि इन्होंने मेरी जो इज्जत धज्जियाँ उड़ा दी हैं वो इज्जत अब इनको अब मुझे अपनाने से ही वापस मिलेगी। पुलिस का सपोर्ट मिला आपको? मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं कोतवाल साहब को फ़ोन करती हूँ, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। वायरलेस हुआ मेरे सामने, इतना सपोर्ट मिला कि वायरलेस हुआ कि वसी खान को भेजा जाए, तो टाइम लगा। हमने कहा सर हम जाते हैं और जाने के बाद फिर मुझे सर ने बोला कि जब वो आएंगे कोतवाल साहब ने तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सामने वाला आता है और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। प्रशासन पूरा सपोर्ट अपने डिपार्टमेंट के ही लोगों का कर रहा है, तो आप बताओ कि हम महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? जब ये वर्दी के आड़ में ही हैवान है तो हम कहां से सुरक्षित हो सकते हैं, हम किसके पास जाएंगे? अभी इस बंदे इस वर्दी वाले के खिलाफ हम यहां खड़े हुए हैं
फिर भी डिपार्टमेंट पूरा उसका ही सपोर्ट कर रहा है, ऐसा होता है क्या? हम किधर जाएं? वही लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस भी सख्त हो गई है और पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में है और महिला थाने को जांच के लिए सौंप दिया गया है। जांच के आधार पर ही आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक महिला ने किसी दरोगा के ऊपर आरोप लगाया है, क्या है मामला, क्या कार्रवाई? जनपद गोंडा में तैनात एक इनके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र महिला के द्वारा उनके द्वारा झांसा देकर के उनके साथ संबंध बनाए गए हैं। उनके प्राप्त प्रार्थना पत्र को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए दिया गया है। उनके द्वारा प्रकरण की जांच कर जो भी उचित कार्रवाई की गई। सर, कहाँ तैनात हैं दरोगा जी? हाँ, जनपद में ही तैनात है। महिला का ये भी आरोप है कि इन्होंने पहले नाम रिंग दूसरा बताया, हिंदू नाम बताया और फिर उसके बाद ये मुस्लिम। जो भी है प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य होती थी उसमें जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई करेंगे, उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसकी कार्रवाई। महिला आरोप है कि पुलिस उसको परेशान कर रही है, सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे समक्ष पहली बार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। सर, कार्यालय में जो है पहली बार वो महिला को देखा गया है और पहली बार उसने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में महिला ने क्या क्या आरोप लगाया सर? जो भी है ये जांच का विषय है। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना और जो हमारे जनपद में महिला पुलिस उपाधीक्षक है उनके द्वारा भी जांच को मॉनिटर किया जाएगा।